स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। कौन सा शहर विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू कर रहा है? ए दुबई, बी टोक्यो, सी न्यूयॉर्क, डी सिंगापुर। आंसर ए दुबई। एक्सप्लेनेशन: दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते से दुबई में शहर व्यापी इलेक्ट्रिक एरियल टैक्सी सेवा और वर्टिपोर्ट नेटवर्क की तैनाती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अगला प्रश्न। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है जिसे राज्य के बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? ए कर्नाटक, बी ओडिशा, सी केरल, डी तमिलनाडु। आंसर बी ओडिशा। एक्सप्लेनेशन: ओडिशा राज्य सरकार ने हाल ही में गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया। ओडिशा जैव विविधता बोर्ड के अनुसार यह क्षेत्र 608 जीव प्रजातियों का निवास स्थल है। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ओडिशा के कोरापुट जिले में स्थित है। अगला प्रश्न। हाल ही में काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? ए नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी मेघालय। आंसर सी असम। एक्सप्लेनेशन: असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने घोषणा की कि काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। ये नींबू की किस्म का एक फल है। काजी नेमू को पहले ही GI टैग मिल चुका है। पिछले दो वर्षों में इस फल को मध्य पूर्व सहित कई देशों में निर्यात किया गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी ओडिशा। आंसर डी ओडिशा। एक्सप्लेनेशन: ओडिशा राज्य सरकार ने नई सरकारी योजना स्वयं के तहत राज्य के युवाओं को 1,00,000 रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत पूरा खर्च राज्य उठाएगी। इस योजना के तहत राज्य के 18-35 वर्ष तक के युवा पात्र होंगे। इसके तहत दो वर्षों में 672 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न। भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? ए मिनिकॉय, बी अगत्ती, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी ए और बी दोनों। एक्सप्लेनेशन: भारत सरकार ने लक्षद्वीप के अगत्ती और मिनिकॉय द्वीपों पर अपने नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 और 5 मार्च को मिनिकॉय में इसका उद्घाटन करेंगे। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया है। मिनिकॉय द्वीप 9 डिग्री चैनल पर स्थित है। मिनिकॉय द्वीप मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर दूर है। अबू धाबी में BAPS मंदिर का क्या महत्व है? ए यह एक आधुनिक वास्तुशिल्प चमत्कार है, बी यह मध्य पूर्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, सी यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है, डी ये भारतीय समुदाय में एकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। आंसर सी यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। एक्सप्लेनेशन: अबू धाबी में बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS हिंदू मंदिर ने महंत स्वामी महाराज के नेतृत्व में 14 फरवरी 2024 को अपनी मूर्तियों के अभिषेक का जश्न मनाया। यह मंदिर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतरधार्मिक समझ और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। अबू धाबी में BAPS मंदिर मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। अगला प्रश्न। कोची हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय क्या बनाता है? ए पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा, बी किसी हवाई अड्डे पर सबसे बड़ा हाइड्रोजन संयंत्र, सी किसी हवाई अड्डे में सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संयंत्र, डी किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। आंसर डी किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। एक्सप्लेनेशन: इस परियोजना को किसी हवाई अड्डे पर दुनिया के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। BPCL कोची हवाई अड्डे पर एकीकृत ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र और ईंधन स्टेशन स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा, जबकि CIL भूमि, जल और हरित ऊर्जा संसाधनों में योगदान देगा। अगला प्रश्न। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ए निरंजन शाह, बी राहुल द्रविड़, सी कपिल देव, डी जय शाह। आंसर ए निरंजन शाह। एक्सप्लेनेशन: सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्रिकेट प्रशासक और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। निरंजन शाह ने 1965 से 1975 तक 12 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे और वह BCCI के पूर्व सचिव भी रहे हैं। ये गुजरात का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेडियम है। अगला प्रश्न। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए गिरिराज सिंह, बी नंद किशोर यादव, सी तेजस्वी यादव, डी जीतन राम मांझी। आंसर बी
नंद किशोर यादव। एक्सप्लेनेशन, भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। राज्य विधानसभा की विशेष बैठक में चुनाव की प्रक्रिया के बाद उनको अध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव नए अध्यक्ष के साथ आसन तक गए। अगला प्रश्न, पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए पटना, बी गुवाहाटी, सी वाराणसी, डी जयपुर। आंसर डी गुवाहाटी। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। इस सम्मेलन में शीर्ष उद्योगपति और शिक्षाविदों सहित 1000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? ए योजना में प्रस्तावित संशोधन, बी सरकार से और जानकारी मांगी, सी योजना को अमान्य कर दिया, डी इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा। आंसर सी योजना को अमान्य कर दिया। एक्सप्लेनेशन, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को अमान्य कर दिया है। 5 न्यायाधीशों की पीठ वाली अदालत ने 15 फरवरी 2024 को घोषणा की कि यह योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। पूरा मामला राजनीतिक दलों को गुप्त तरीके से चंदा देने की अनुमति वाले इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से जुड़ा है। अगला प्रश्न, 2024 T20 विश्व कप कहां आयोजित होने वाला है? ए कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका, बी दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे, सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, डी भारत और श्रीलंका। आंसर ए कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका। एक्सप्लेनेशन, 2024 T20 विश्व कप 1 जून से 29 जून तक कैरेबियन और यूएसए में होगा, जिसमें 20 टीमें शामिल होंगी। टूर्नामेंट अपने 9वें संस्करण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 स्थानों और कैरेबियन में 6 स्थानों का उपयोग करेगा। रोहित शर्मा आगामी 2024 T20 विश्व कप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। अगला प्रश्न, IRCTC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ए आलोक सिन्हा, बी संजय कुमार जैन, सी राजीव प्रसाद सिंह, डी अलक पांडे। आंसर डी संजय कुमार जैन। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संजय कुमार जैन ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। संजय जैन एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट CA रहे हैं। उन्होंने इससे पहले मुंबई के मंडल रेल प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है। अगला प्रश्न, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? ए नई दिल्ली, बी वाराणसी, सी हरिद्वार, डी देहरादून। आंसर डी देहरादून। एक्सप्लेनेशन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का देहरादून में अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित थे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को पदभार संभाला था। अगला प्रश्न, हाल ही में खोजी गई प्राचीन पत्थर की दीवार कहां स्थित थी? ए प्रशांत महासागर, बी उत्तरी सागर, सी बाल्टिक सागर, डी भूमध्य सागर। आंसर सी बाल्टिक सागर। एक्सप्लेनेशन, शोधकर्ताओं को बाल्टिक सागर में 21 मीटर की गहराई पर जर्मन तट के पास एक पत्थर की दीवार मिली है। ये दीवार 10,000 वर्ष से अधिक पुरानी मानव निर्मित संरचना हो सकती है। इसमें लगभग 1,700 पत्थर हैं, जिनमें अधिकतर टेनिस और फुटबॉल के आकार के हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि दीवार का निर्माण शिकार के उद्देश्य से किया गया था। लगभग 8,500 वर्ष पहले इस क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, जिससे ये शुष्क भूमि से जलमग्न भूमि में परिवर्तित हो गई थी। हाल ही में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? ए तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी राजस्थान। आंसर ए तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। कोमुरावेली गांव प्रसिद्ध कोमुरावेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हर साल 4 अलग अलग राज्यों से लगभग 25 लाख लोग मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। अगला प्रश्न, रविचंद्रन अश्विन से पहले टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाला एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? ए जहीर खान, बी अनिल कुंबले, सी हरभजन सिंह, डी जवागल श्रीनाथ। आंसर बी अनिल कुंबले। एक्सप्लेनेशन, रविचंद्रन अश्विन ने 16 फरवरी 2024 को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में अपना 500वां टेस्ट विकेट हासिल किया। दूसरे दिन के अंतिम सत्र में जैक क्रॉली को अश्विन ने आउट कर दिया, जिससे अश्विन अनिल कुंबले के बाद टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए। अगला प्रश्न, साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस IIT द्वारा किया गया? ए IIT वाराणसी,
BIIT दिल्ली, CIIT जम्मू, DIIT मुंबई। आंसर CIIT जम्मू। एक्सप्लेनेशन IIT जम्मू के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर करण नाथानी ने साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का निर्माण किया है। यह अपनी तरह का पहला प्रणाली है और साउंड टेक्नोलॉजी पर आधारित नई तकनीक है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम की लागत लगभग 4 लाख रुपए है। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया? ए ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी एस जयशंकर, सी पीयूष गोयल, डी अनुराग सिंह ठाकुर। आंसर डी अनुराग सिंह ठाकुर। एक्सप्लेनेशन सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी इंडिया द्वारा ब्रॉडकास्ट और मीडिया टेक्नोलॉजी पर आयोजित 28वें सम्मेलन में BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत प्रसारण क्षेत्र का केंद्र बनने जा रहा है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ए 25,000 रुपये, बी 30,000 रुपये, सी 35,000 रुपये, डी 40,000 रुपये। आंसर ए 25,000 रुपये। एक्सप्लेनेशन उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान में पर्याप्त वृद्धि की घोषणा की। इस अप्रैल से प्रति लाभार्थी सालाना अनुदान को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। साल 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग की एक प्रमुख पहल है। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? ए नीति आयोग, बी वर्ल्ड बैंक, सी एशियन डेवलपमेंट बैंक, डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आंसर बी वर्ल्ड बैंक। एक्सप्लेनेशन सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से राज्य में सिक्किम इंस्पायर पहल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम प्रशिक्षण और रोजगार पहल के माध्यम से महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। अगला प्रश्न, पीएम मोदी किस राज्य में वीर लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? ए असम, बी मेघालय, सी बिहार, डी नागालैंड। आंसर ए असम। एक्सप्लेनेशन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस साल मार्च के पहले सप्ताह के दौरान जोरहाट असम में वीर लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। प्रसिद्ध अहोम साम्राज्य के सेनापति लाचित बोरफुकन की सैन्य प्रतिभा और अटूट नेतृत्व क्षमता को मान्यता देते हुए हर साल 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन है? ए सौरव गांगुली, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा, डी एम एस धोनी। आंसर सी रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एक खास उपलब्धि हासिल करते हुए पूर्व दिग्गज भारतीय कप्तान खिलाड़ी एम एस धोनी को पीछे छोड़ दिया। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। रोहित करियर का 212वां लगाते ही यह उपलब्धि हासिल की। धोनी के कुल 211 छक्के हैं। इसके बाद विराट कोहली का नंबर आता है। अगला प्रश्न, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? ए अभिनव मुकुंद शर्मा, बी विनय कुमार सिंह, सी चरणजोत सिंह नंदा, डी रंजीत कुमार अग्रवाल। आंसर डी रंजीत कुमार अग्रवाल। एक्सप्लेनेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की शीर्ष संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICI ने रंजीत कुमार अग्रवाल और चरणजोत सिंह नंदा को क्रमशः संस्थान का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना है। रंजीत कुमार ICI के 72वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। अगला प्रश्न, इरिडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए IIT भुवनेश्वर, बी IIT मुंबई, सी IIT दिल्ली, डी IIT वाराणसी। आंसर ए IIT भुवनेश्वर। एक्सप्लेनेशन भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरिडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT भुवनेश्वर के साथ एक समझौता किया है। इरिडा एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? ए थाईलैंड, बी भारत, सी इंडोनेशिया, डी चीन। आंसर बी भारत। एक्सप्लेनेशन भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने 18 फरवरी 2024 को मलेशिया के शाह आलम ने सेतिया सिटी कन्वेंशन सेंटर में फाइनल में थाईलैंड को 3-2 से हराकर पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न, उपग्रह इनसेट 3DS का उद्देश्य क्या है?
ए संचार, बी अंतरिक्ष अन्वेषण, सी मौसम संबंधी अवलोकन, डी पृथ्वी अवलोकन। आंसर सी मौसम संबंधी अवलोकन। एक्सप्लेनेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी को इतिहास रचते हुए सैटेलाइट इनसैट 3DS को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। इस सैटेलाइट का वजन 2274 किलोग्राम है और इसका उपयोग अर्थ साइंस, मौसम विज्ञान, सर्च एंड रेस्क्यू और ओशन टेक्नोलॉजी को सेवा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। ये सैटेलाइट GSLV-MK2 रॉकेट से लॉन्च किया गया जो उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में तैनात हो गया। अगला प्रश्न, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए गुलजार, बी जगत गुरु रामभद्राचार्य, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर सी ए और बी दोनों। एक्सप्लेनेशन, उर्दू के लिए मशहूर गीतकार गुलजार और संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ सम्मान दिया जाएगा। जहां जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत भाषा और वेद पुराण के प्रकांड विद्वान हैं, वहीं गुलजार तमाम फिल्मों में गीत लिखने के अलावा गजल और कविता के क्षेत्र में मशहूर हैं। वर्ष 1965 से भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। संस्कृत भाषा को दूसरी बार और उर्दू के लिए 5वीं बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखी? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। आंसर ए उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री ने संभल उत्तर प्रदेश में हिंदू तीर्थ स्थल श्री कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखी। इस मंदिर का निर्माण श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। भगवान कल्कि को प्रभु विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। श्री कल्कि धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें 5 वर्ष का समय लगेगा। अगला प्रश्न, भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी श्रीलंका, डी इंग्लैंड। आंसर डी इंग्लैंड। एक्सप्लेनेशन, भारतीय टीम ने राजकोट में खेले गए टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर 434 रनों की शानदार जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया है। टेस्ट फॉर्मेट में यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत रनों के हिसाब से है। इससे पहले साल 2021 में वानखेड़े में न्यूजीलैंड को भारत ने 372 रनों से हराया था। ये इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट में रनों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी हार है। हाल ही में किस जैन मुनि आचार्य जी ने शरीर त्याग दिया और ब्रह्मलीन हो गए? ए श्री विद्यासागर महाराज, बी श्री अश्विन महाराज, सी श्री कृपाल महाराज, डी श्री भद्राचार्य महाराज। आंसर ए श्री विद्यासागर महाराज। एक्सप्लेनेशन, प्रसिद्ध जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में डोगरगढ़ के चंदगिरी में सल्लेखना विधि से अन्न जल त्याग कर शनिवार देर रात अपना शरीर त्याग दिया और ब्रह्मलीन हो गए। 11 फरवरी को आचार्य विद्यासागर महाराज को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ब्रह्मांड के देवता के तौर पर सम्मानित किया गया था। आचार्य विद्यासागर महाराज का जन्म कर्नाटक के बेलगांव के सदलगा गांव में 1946 में शरद पूर्णिमा के दिन 10 अक्टूबर को हुआ था। अगला प्रश्न, पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, बी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी कृषि मंत्रालय। आंसर बी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन, पीएम विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ऋण, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत 18 व्यवसायों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो ने किस कार्यक्रम की घोषणा की है? ए नया विज्ञानी कार्यक्रम, बी सवेरा विज्ञानी कार्यक्रम, सी युवा विज्ञानी कार्यक्रम, डी वर्तमान विज्ञानी कार्यक्रम। आंसर सी युवा विज्ञानी कार्यक्रम। एक्सप्लेनेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा स्कूली विद्यार्थियों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका नामक एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की गई, जिसका मकसद अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवीन रुझानों में युवा विद्यार्थियों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर घाटी में किस ईंधन की पहली ट्रेन का शुभारंभ करेंगे? ए इलेक्ट्रिक ट्रेन, बी कोयला ट्रेन, सी पेट्रोल ट्रेन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए इलेक्ट्रिक ट्रेन। एक्सप्लेनेशन, पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में रेल इंफ्रा का विस्तार करते हुए श्रीनगर से संगलदान स्टेशन के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया।
ये कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है। इस ट्रेन को लॉन्च होने से घाटी में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अन्य राज्यों के साथ घाटी की सांस्कृतिक विरासत का भी आदान प्रदान होगा। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? ए अगरतला, बी दिसपुर, सी शिलोंग, डी गुवाहाटी। आंसर डी गुवाहाटी। एक्सप्लेनेशन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का उद्घाटन समारोह 19 फरवरी को गुवाहाटी के सरुसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ, जबकि समापन समारोह 29 फरवरी को होगा। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी उड़ीसा में आयोजित 2020 उद्घाटन संस्करण में KIUG की विजेता थी। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? ए ऑपरेशन ट्राइडेंट, बी ऑपरेशन ट्रोपेक्स, सी मिलन, डी वरुण व्यायाम करें। आंसर सी मिलन। एक्सप्लेनेशन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 फरवरी 2024 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रमुख नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया। मिलन 2024 भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें भाग लेने वाली नौसेनाओं के 2000 से अधिक कर्मी शामिल हैं। अगला प्रश्न, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए संबलपुर, बी भुवनेश्वर, सी चेन्नई, डी पटना। आंसर ए संबलपुर। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर SIC का उद्घाटन ओडिशा के संबलपुर में किया। इस कार्यक्रम के बाद ओडिशा में आगामी कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन अनुगुल, भद्रक, ढेंकनाल, तालचेर और देवगढ़ में किया जाना है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? ए कतर, बी माल्टा, सी अल्बानिया, डी चिली। आंसर बी माल्टा। एक्सप्लेनेशन, मध्य भूमध्य सागरीय देश माल्टा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 119वें देश के रूप में माल्टा का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय माल्टा के स्थायी सचिव क्रिस्टोफर कटजार ने नई दिल्ली में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। ISA की स्थापना साल 2015 में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। अगला प्रश्न, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी नेपाल। आंसर डी नेपाल। एक्सप्लेनेशन, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन नेपाल में किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित 19 देश भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 2 सप्ताह तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया? ए नरेंद्र मोदी, बी मनोज सिन्हा, सी अमित शाह, डी बनवारीलाल पुरोहित। आंसर ए नरेंद्र मोदी। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 4 से बढ़कर 12 हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि MBBS सीटें 500 से बढ़कर 1300 हो गई है। पहले फेज में 750 बेड की व्यवस्था की जा रही है।